कपिल भगवान ने बताया, जो व्यक्ति ईश्वर का भजन नहीं करता है उसकी दुर्गति हो जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि अगर जो हम पुण्य नहीं करेंगे तो पाप हमसे हमेशा होते रहते हैं। कितना भी बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति हो, वो कह ही नहीं सकता है कि मेरे जीवन में कोई पाप नहीं हुआ। रास्ता चलते पता नहीं लगता है कितने जीवों को हम कुचलते हुए आ जाते हैं। रात में सोते समय पता ही नहीं लगता है कितनी मक्खियाँ, कितने मच्छर, कितनी चींटियाँ हमारी पीठ के नीचे आ करके और यमराज के अतिथि बन जाते हैं। अपराध तो होते ही रहते हैं, कितने भी तुम बचने का प्रयास करो अपराध हो ही जाते हैं। अगर जो अपराध हो रहे हैं भगवान का भजन नहीं करोगे तो निश्चित दुर्गति होगी। और एक बात और बता दें, धर्म को जानने वाला ही भगवान से क्षमा मांगता है। पाप पुण्य को जानने वाला ही व्यक्ति परमात्मा से क्षमा मांगता है। और जो पाप पुण्य को जानते ही नहीं तो पाप हुआ ही नहीं उसके हिसाब से, और जब हुआ नहीं तो क्षमा किस बात की। ये संसार पूरा आपको पता है, सारा का सारा संसार, संपूर्ण संसार नेगेटिव चार्ज है। कैसा नेगेटिव? अगर जो हम पॉजिटिव नहीं करेंगे संसार में तो नेगेटिविटी लाने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। चाहे तुम एनोड कैथोड के हिसाब से देख लो तो भी नेगेटिव चार्ज है। एक तार बिजली के फेस में लगा दिया जाता, दूसरा अर्थ कर दिया जाता, बल्ब जल जाता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। दूसरा आध्यात्म में देख लो, अच्छे काम नहीं करोगे अपराध होते ही रहेंगे, नेगेटिव चार्ज है। माताजी एक बार बताओ, पैसे वाला बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है कि नहीं? मेहनत करनी पड़ती है, कोई दौड़ लगाता है, फौज में जाता है ना, पैसे वाला बनने के लिए मेहनत। और गरीब होने के लिए कौन वाली मेहनत करनी पड़ेगी? कोई नहीं। बस यही है, इतना ही तो है, प्रयास करना बंद कर दो, गरीब होने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सच है कि नहीं? केवल और केवल पॉजिटिव काम करना बंद कर दो। अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ठीक है विद्यालय जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, गुरुजनों के पास जाना पड़ता है, उनकी डांट फटकार सब सही जाती है। लेकिन अगर जो तुम्हें मूर्ख होना है सच बताना, तो मूर्ख बनने के लिए कौन सा विद्यालय खुला है बताओ? बस इतना ही तो करना है कि तुम्हें विद्यालय जाना बंद कर दो, मूर्ख होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? कपड़ा साफ करना पड़ता है ना, डाल करके गीला करके उसे रगड़ना पड़ता, साबुन लगाना पड़ता, ये करना करना पड़ता है कि नहीं? गंदा कोई करना किसी को करना पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है एक बात और बता दें, घर में चारों तरफ खिड़की है, दरवाजे हैं, सब कुछ बंद है एकदम, ठीक है, और तुम दरवाज़ा लगा करके मात्र 4 दिन के लिए मायके चली जाओ, ठीक है,
चार दिन के बाद वहाँ पर आकर के तुम्हें लगेगा कि ये एकदम कबाड़ हो चुका है, समझ गए? उसको तुम्हें झाड़ पोछ करके सही करना पड़ेगा कि नहीं, जबकि चारों तरफ से बंद था तो गंदगी आ गई ना। तो यही नेगेटिव एनर्जी है। घर को कितना भी पैक करके तुम छोड़ दो, गंदा होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, गंदा हो जाता उसको साफ करना पड़ता है। सारा का सारा संसार नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव करना बंद कर दो, तुम्हें पतन होने से कोई नहीं रोक सकता है। कपिल भगवान ने कहा, सुनो, जो व्यक्ति इस संसार में आके भगवान का भजन नहीं करता है तो नाना प्रकार की यातनाओं को भोगता है वो, और भोग करके फिर दोबारा जन्म लेता है। तो एक एक दिन का वर्णन करके बताया गर्भकाल में जीव कैसे जन्म लेता है। कलकम तो एक रात्रेण, एक रात्रि में पूरी कोशिका बन जाती है। पंच रात्रेण बुद्बुदम, पांच रात में बुलबुले जैसा हो जाता। दशाहेन तो करकंधु, दस दिन में बेर के समान हो जाता है। और इसके बाद मासेन तो सिरा, एक महीना में खोपड़ी निकल आती है। और द्वाभ्याम वाय अंग्रह विग्रह, दूसरे महीना में हाथ पैर के निशान निकल आते हैं। और नखलोमास्थि चरमाणी लिंग छिद्रो भवत्र भी, नाखून रोएं और अस्थि हड्डियां चर्म माने खाला दी। तो ये तीन महीने में बनने शुरू हो जाते माता के पेट में, और चौथे महीने में सातों धातुएं बन जाती हैं। और पांचवें महीने में भूख प्यास लग जाती है। और षड्भी जरायुणा बीता कुक्षो ब्राह्म्यति दक्षिणे, और छः महीना में जरायुणा माने मेम्ब्रेन झिल्ली से में पैक बच्चा वो माता के पेट में घूमने लग जाता है। तब माता कहती, देखो हमारा लाला घूम रहा है। और इसके बाद सात महीने में फिर इसके बाद वो उसी में पैक रहता, उसी में फिर बड़ा होता रहता है। और क्या क्या कष्ट मिलते हैं वो सब बताया गया। बेहोश होके चला जाता, फिर अंत में कह दिया कि अकल्पा स्वांग चेष्टायाम, अपने हाथ से खुजला भी नहीं सकता, बड़ा परेशान होता है। तो क्योंकि शकुंते यो पंजरे, जैसे पक्षी पिंजरे में बंद हो उससे कह दे उड़ो तो कैसे उड़ पाएगा। तो इस प्रकार से बड़ा लंबा वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। तृतीय स्कंद में बड़ा ही सुंदर कपिल देव भगवान ने इसका वर्णन किया है। फिर अगर जो आकर के जीव अच्छे कर्म नहीं करता, फिर वही कुटता पिटता रहता, फिर आता है फिर कुटता। तो कहने का मतलब यही है, ऐसे ही जीव बार बार आता जाता बना रहता है।